काली माता को तो सभी ने देखा है। पूजा है, कुछ लोग डरते भी हैं, कुछ लोग उनकी आराधना करते हैं, उनके कुछ की तो ये इष्ट देवी भी हैं, राइट? तो काली माता जो है वो एक बहुत ही पावरफुल देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। काल इज टाइम स्पेस, काल वक्त, चक्र जिसको कहते हैं ना काल चक्र, तो वो काल जो है वो वहीं से नाम पड़ा है, काली माता, जो बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, जो कहीं जिनका शुरुआत नहीं है, जहां जिनका कहीं अंत नहीं है, जो है वो वही है, उसको काली माँ कहते हैं। और माँ कैसी होती है? माँ अपने अंदर सब कुछ समा लेती है। हम जब आगे कोर्स में डिटेलिंग करेंगे तब आपको काली माता की डिटेलिंग, जब मैं आपको बताऊंगी एक एक चीज उनके बारे में, तो एक अलग ही लेवल का आपको एक एनलाइटमेंट मिलता है और एक अलग ही लेवल पे आप चले जाते हैं। क्योंकि काली माता का हर एक, ये जो पिक्चर है, मुंड माला है, जो स्कर्ट उन्होंने हाथों की पहनी है, उनके दांत, जीभ, आंखें, स्किन का कलर, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, और उसके अकॉर्डिंगली ही हमको समझ आता है कि काली माता का की जो पूजा की जाती है उसकी डेप्थ क्या है और उनके बीज मंत्रा कितने शक्तिशाली हैं। और उन बीज मंत्रा को लेकर कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं और जब हम वो यूज करते हैं तो बहुत इफेक्टिव हमारी हीलिंग्स होती। ठीक है? सॉरी अगेन। बगलामुखी माता, बगलामुखी माता जो है वो सिद्धिदात्री भी कही जाती हैं, और कहा जाता है कि जो तांत्रिक होते हैं वो बगलामुखी माता की ही सिद्धियां करते हैं, वो शक्ति पाने के लिए। बगलामुखी माता पीताम्बरी माँ भी कही जाती हैं, ये जनरली पीले वस्त्रों में दिखती हैं, इनका जो वाहन है वो हंस है, सफेद बगुला जिसको कहते हैं, और इसीलिए वहीं से उनका नाम बगलामुखी माता पड़ा। ठीक है? ये भी आपको सारी आपकी बुराइयों से दूर करती हैं, जिस तरह से काली माता आपको काल चक्र से बाहर निकालती हैं, उसी तरह से बगलामुखी माता हमारी इस प्रेजेंट डे में जो हम जी रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में से, उन बुराइयों में से हमें बाहर निकालती है और हमें एक ऐसा पाथ देती है जहां पर हम चल के अपने आप को एनलाइटन कर सकते हैं और उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जहां की सब लोग कामना करते हैं, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं अल्टीमेटली। ठीक है? तो आई होप सो यहां तक तो क्लियर है सबको। एंड इसमें कुछ अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको फिर आगे थोड़ा सा और डिटेलिंग दूंगी इसके बारे में। Thank you.